हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया बम्पर भर्तियां निकल निकल के आ रही है फ्रेंड्स आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। तो अभी एक और भर्ती है जो रेलवे की तरफ से निकल के आई है फ्रेंड्स। ये जो वैकेंसी है ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है, जो कि देख सकते हो आप यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल जयपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए इसके अंदर जयपुर के अंदर ये और भी राजस्थान की बहुत सी जगह पे ये अप्रेंटिस निकल के आई है रेलवे की तरफ से। तो इसका फॉर्म किस तरीके से भरते हैं आज हम ये देखेंगे। तो हम आ गए ऑफिशियल साइट पे रेलवे की। यहाँ पे आपको साइट में देखने को मिल रहा होगा एप्लीकेशन 1/2024, इस पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। इस जो डैशबोर्ड का साइट है उसका मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सके। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने इसका नोटिफिकेशन नहीं देखा है कि किस कैटेगरी वाइज और किस जोन के अंदर कितने पद है, तो उसके लिए मैंने जो इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है। तो उसका भी लिंक है जो मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरीके से इसका फॉर्म फिलअप होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अप्रेंटिस 1/2024 ऑनलाइन ई एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, एक नए पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको साइड में इम्पोर्टेंट लिंक देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन लॉगिन। तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, एक नए पेज पे आ जाएंगे जहाँ पर हमें हमारी डिटेल्स डालने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैंडिडेट का जो नेम है, जो आपके 10th की मार्कशीट में है, वो फुल नेम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे साइड में आपके पिताजी का नाम, फादर नेम या मदर नेम डाल देना है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जितनी आपकी एज हो गई होगी वो दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। साइड में आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी स्टेटस देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड्स। अगर आप किसी तरह के विकलांग हो या कोई आपके डिजीज वगैरह है तो यहाँ पे यस करें, उस डिजीज की बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो करके आगे बढ़े। एक्स सर्विस मैन हो तो यहाँ पे यस करके आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो करके आगे बढ़े। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, 10th में किस बोर्ड से आपने एग्जाम दी है। उसके बाद में यहाँ पे कब आपने 10th क्लास पास की है वो यहाँ डाल देना है। 10th क्लास के रोल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको साइड में अपने मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड कर लेना है और यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा होगा ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स, आप अपनी डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद में आपके ईमेल आईडी और आपके जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज भेज दिया गया होगा, जिसमें आपको आपका ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उस पर सेंड कर दिया गया है। उसके बाद में फ्रेंड्स, एप्लीकेशन लॉगिन पे आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे नए डेस्कटॉप पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप ईमेल आईडी पासवर्ड से आपकी आईडी को लॉगिन करना चाहते हो या ईमेल आईडी डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करना चाहते हो। तो जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप लॉगिन करें। उसके बाद में जो ईमेल आईडी आपने डाली है वो यहाँ पे एंटर कर दें और उसके बाद में जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा था वो डालकर या कैप्चा कोड फिल करेंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स, आप लॉगिन कर दोगे उसके बाद में यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल्स है जो आपने अभी तक ऐड की है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन जो है, यहाँ पे आपको कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे यहाँ आपको आधार कार्ड के जो नंबर है वो ऐड कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स नीचे आ जाना है, यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे आपने जो बोर्ड सेलेक्ट किया है आप उसके साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपने किस इंस्टीट्यूट या स्कूल से पास आउट किया 10th, तो वो यहाँ डाल देनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर जो आपने 10th के अंदर जो थे वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में आपने टोटल नंबर कितने ऑब्टेंड किए हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट कोलेस्ट्रॉल यूनिट देखने को मिल रही होगी, इसमें आपको सेलेक्ट करना है किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हो, वो जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे आपके जो आईटीआई है उसकी डिटेल्स डाल देनी है। तो यहाँ पे आईटीआई पास रिलेवेंट ट्रेड है, इस पर आपको क्लिक करना है, किस ट्रेड से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन ट्रेड देखने को मिल जाएगी, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपने अभी जो रिलेवेंट ट्रेड दी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे
आपको एप्लीकेशन ट्रेड देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आईटीए कब पास किए वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में एनसीवीटी से किया है, एससीवीटी से किया है, उस सर्टिफिकेट के नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था उसकी डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू हुआ था। उसके बाद में आपकी जो आईटीआई में टोटल मार्क्स थे वो कितने थे और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको किस आईटीआई से आप पास आउट हो उस आईटीआई का यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये सब डिटेल्स भर दोगे उसके बाद में नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आपका एड्रेस जो है वो फिल कर देना है। अगर आपका करस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे बीच में जो टिक मार्क है इसको चेक कर देना। उसके बाद में नीचे आके यहाँ पे आपको अपनी फोटो और यहाँ पे आपके सिग्नेचर अपलोड कर देना है। जैसे फ्रेंड्स ये अपलोड कर दोगे उसके बाद में यहाँ नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करके सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप सारी डिटेल्स डाल के सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद नए पेज पे आ जाओगे जहाँ पर आपको आपका पूरा जो डिटेल्स अब तक दे चुके हो, क्वालिफिकेशन के बारे में जो भी डिटेल्स दे चुके हो और जिस जोन के लिए आपने सिलेक्शन किया है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स नीचे आ जाना है। वहाँ नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, सेंड सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जैसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप एक नए डेस्कटॉप पे आ जाओगे जहाँ पे आपको दो, एक ग्रीन कलर का एक रेड कलर का चेकबॉक्स देखने को मिल रहा होगा। अगर अभी तक फॉर्म के अंदर कोई डिटेल्स गलत भर दिया अब आपने तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आप वो डिटेल्स है जो सही कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है उसको लॉक करके यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। जैसे फॉर्म को सबमिट करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये प्रिंट का ऑप्शन कैटेगरी वाइज है, अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हो तो आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज पेमेंट के लिए भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सिंपली आप प्रिंट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।